हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे बच्चों के लिए क्लॉथ डायपर यूजफुल होते हैं या नहीं होते। सेकंड, कि क्लॉथ डायपर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। थर्ड पॉइंट, कि हम सस्ते क्लॉथ डायपर कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्लॉथ डायपर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, ये रीयूजेबल होता है, यानी आप एक बार यूज़ करें, उसके बाद आप इसे धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो हम सादा डायपर मार्केट से ख़रीदते हैं, वो हम यूज़ करते हैं और हमें फेंकना पड़ता है, हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लॉथ डायपर जो आप एक बार ख़रीदते हैं, तो ये आप 1.5 से 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के बाद। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस क्लॉथ डायपर का यही होता है कि ये रीयूजेबल। सेकंड है कि जो नॉर्मल डायपर हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, इसे पूरी तरह से डिकम्पाउंड होने में, यानी पूरी तरह से ख़त्म होने में लगभग 450 साल लगते हैं, जो इन्वायरमेंट पर काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट डालते हैं। इसलिए ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं होते हैं। और ये क्लॉथ डायपर बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चे की स्किन के लिए भी, और ये माइक्रोफाइबर की एक इसमें शीट होती है और नॉर्मल क्लॉथ से बना होता है, जो बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है इस वीडियो को बनाने के लिए। जो मैंने अपने बच्चे के साथ फील किया है, मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कि ये क्लॉथ डायपर हम बच्चों के लिए कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए ये एक माइक्रोफाइबर की शीट होती है और ये एक क्लॉथ का डायपर है, यानी ऊपर से एक नैपी है। ये माइक्रोफाइबर की शीट हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये तैयार है बच्चे के लिए डायपर। इसे पहनाने का तरीका है, आप इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके जो बटन लगे हुए हैं उसे आप स्टक कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, साइज जो है बच्चे का, वो पतले पैरों के लिए बना होता है। ज़्यादा मोटे बच्चों के पैर जिनके होते हैं, उसके लिए ये कम्फर्टेबल नहीं आता है। आप आगे से छोटा करने के लिए यहाँ पे ये बटन लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, हम अपने बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। ये हमने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा है और ऑफ़र में हमें ये 315 रुपये का मिला है। जनरली मार्केट में इसका प्राइस 600 रुपये है, 600 रुपये से नीचे कोई भी क्लॉथ डायपर नहीं मिलता है, बट ये हमें ऑफ़र में हमने ख़रीदा था, तो ये हमें 350 के करीब का पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें 3 घंटे तक कोई लीकेज नहीं होता है। जैसे हम नॉर्मल डायपर यूज़ करते हैं, उतने ही टाइम के लिए ये भी बच्चे को पहना सकते हैं, कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई। 3 घंटे हमने अपने बच्चे को पहना के रखा, उसके बाद भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई। पहले हमने खुद यूज़ किया है, उसके बाद में ही हम इसका रिव्यू दे रहे हैं। तो ये अच्छा आपके लिए है, आप 300 रुपये में आगे भी यूज़ कर सकते हैं, कई टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे रीयूज़ करने का तरीका है, इसके माइक्रोफाइबर की जो शीट है उसे बाहर निकालिए, उसे आधे घंटे के लिए, दोनों को, इस नैपी को और माइक्रोफाइबर की शीट को, पानी में भिगो के रखिए। उसके बाद आप इसे मशीन वॉश भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे हाथ से अच्छे से डिटर्जेंट लगा के भी धो सकते हैं। उसके बाद में इसे डेटॉल में भी डाल दीजिए, जिससे ये बिल्कुल तैयार होगा आपका रीयूज़ करने के लिए। हो सके तो इसे धूप में ही सुखाइए, क्योंकि धूप से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो और ख़त्म हो जाएंगे, तो आप बच्चे के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चा इसमें पॉटी भी कर देता है तो भी ये लीक नहीं करेगा, और आराम से आप इसे जैसे बताया वैसे ही अलग अलग करके, दोनों पार्ट में करके इसे रीयूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बच्चा पॉटी भी कर ले तो वो भी ये नॉर्मल डायपर की तरह ही होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डील है, एक 350 रुपये में अगर आपको मिलता है तो आप कई बार उसे यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक डायपर का पैकेट जनरली 1000 का आता है, जिसमें 76 डायपर होते हैं, बट वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप 4-5 डायपर ऐसे खरीद सकते हैं जिससे आप पूरे टाइम बच्चे को इस वाले डायपर में रख सकते हैं। ये बच्चे की स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि क्लॉथ का बना हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छा इसका सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो ये बच्चे की स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, तो ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।